close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. हेलो गाइस, मैं हूं विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक नई चीज़ देखेंगे, कुछ क्या क्या साइबर। ओके, ये का भाई जो नए नए बच्चे देख रहे हैं ना, उनके लिए लाए हैं स्पेशली। तो चलो फिर बात करते हैं। ये फायर कैचर ब्रांड है, जैसे फायरफॉक्स आया था ना, उसका छोटा भाई है फायर कैचर। बढ़िया है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है। और आ जाओ डीपली इंटरव्यू में मारते हैं। ये जो हैंडल बार है, ये एडजस्टेबल है, ठीक है। इस पर जो फिनिशिंग मिल रही है, मैट मिल रही है। ये गियर लीवर है, 10 गियर है इसके अंदर। ये अप लीवर है, ये डाउन लीवर है, ठीक है। बेल तो तुम्हें पता ही है, घंटी मिलेगी आइसक्रीम वाली, ठीक है। इसमें इसका मेन अट्रैक्शन क्या है गाड़ी का, इस साइकिल का मेन अट्रैक्शन है उसके फैट टायर। ओहो, ठीक है। अच्छा, अब हम नॉर्मल मार्केट में जाएंगे, हीरो एटलस ये कोई कोई भी ब्रांड की साइकिल लेने, तो 10,000 में मिनिमम भाई नॉर्मल वाली साइकिल। अभी 10,000 की प्राइस रेंज में फैट टायर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, ठीक है। देख लो प्रोफाइल इनकी, ये 26 इंच के स्पोक्स व्हील है, ठीक है। इनकी प्रोफाइल है 76.59। ये दिखा दो एक बार, ठीक है। ये तो देखिएगा, ये हैटेक्स के एक्स्ट्रा बोल्ट टायर है, हैटेक्स ब्रांड है कोई, उसके एक्स्ट्रा बोल्ट टायर। बाकी इधर से दिखाओ एक बार, इधर से शिमोनो टीजेड का गियर है, ये इसका क्रैश गार्ड है। एक बॉटल होल्डर दे दिया इन्होंने यहाँ पे, आगे पीछे डिस्क है। ये एडजस्ट, हाँ, ये हाइट एडजस्टेबल सीट है। टेलीस्कोपिक शॉकर है, जो वो स्टंट के शौकीन बच्चे हैं ना अपने, आगे पीछे डिस्क है, दो डिस्क। हाँ, और जो स्टंट के शौकीन बच्चे हैं ना, वो ये होने के लिए, उन्हीं के लिए। अगर छालो तभी तो नहीं आएगी मेरे भाई, उन्हीं के लिए, ठीक है, स्टंट वालों के लिए। तो बाकी स्टैंड वगैरह मतलब, तो मैंने एक चीज़ देखी, ज़्यादा फैट नहीं है, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है। हाँ, वो आ रही है ना आजकल ज़्यादा फैट। वो देखो एक बात क्या होता है, ज़्यादा फैट टायर ले लोगे तो यूनिक तो लगेगा, मगर कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे। हाँ, ये भी है, सही कह रहे हो। और जितना रेट भी हाई है ज़्यादा, जितना टायर फैट रहेगा उतना उसका मेंटेनेंस हाई रहेगा भाई। ये तो है, उसका पंचर कितना महंगा आएगा, ठीक है। पंचर की बात नहीं है, मेंटेनेंस हाई रहेगा ना भाई। वो ग्रिप तो बनाते बनाते, मगर जब आप उसे यूज़ करोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हो, ठीक है। उसके बाद बिग बैन की इसमें सीट दी हुई है, बिग बैन। हाँ, कुशनिंग ठीक है इसमें, बहुत बढ़िया कुशनिंग है, थकेगा नहीं बंदा। मतलब यार देखो, अब साइकिल तो चाहिए सबको, क्योंकि आजकल लोग हो गए फिटनेस फ्री। ये तो है, ठीक है। और लोगों का एक जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, तो हर कोई एक्सरसाइज तो आजकल करता नहीं, तो एक साइकिल होनी ज़रूरी है। जैसे सुबह सुबह थोड़ा सा घूम ही आए तो एक्सरसाइज कर देंगे। बाकी ये वाला जो लीवर है, ये लीवर से आप आगे का टायर रिमूव कर सकते हो, इनकेस अगर आपके पास स्पेयर व्हील है और ये पंचर हो गया है, तो वैसे स्पेयर व्हील अलग से लेना पड़ता है, मिलता तो कुछ नहीं कंपनी को। ये तो है भाई, ठीक है। बाकी इसकी भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, बाइकों की तो बहुत ले ली बारी की भी ले ली आप। तो भाई साइकिल बढ़िया है, जल्दी जाओ फायर कैचर खरीदो। ये इनका लिंक है www.firecatcher.in। शॉप कहाँ है, शॉप तो बता दो भाई। ऑनलाइन शॉप तो तुम किसी भी शॉप पे जाओ, सीधे पूछो फायर कैचर की साइकिल चाहिए, ठीक है। इसका मॉडल ये है फायर कैचर, ये रहना इसका साइड
XRT गियरा साइड, और नहीं तो वीडियो दिखा देना और लाइक भी कर देना, इस पर लाइक करवा दो बढ़िया से, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो। गाइस न्यू चैनल है तो सपोर्ट करो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से गाड़ी वाली भी आ रही है, ओके ओके, गाड़ी वाली आ रही है अगली, नेक्स्ट कंटेंट वही हमारा, पोलो डाल दी ठीक हो ना, तो कल तो पोलो की ब्लॉग दिखाएंगे और क्या क्या उसमें खर्चा आता है सारा बताएंगे, पूरा इंजन ही खुलवा रहा है तुम्हारा भाई। तो और कुछ है इसमें बोलने लायक? और पेंडर वेंडर सब तो बता ही दिया, पेंडर ये पेंडी पेंडर भी ठीक है ना, कुछ रहा तो नहीं क्या, मतलब एक स्टार्टिंग लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया। और स्टैंड थोड़ा सा वो है, स्टैंड अगर अच्छा मिलता ना थोड़ा सा सही रहता, स्टैंड तो यार बाकी साइकिल बहुत ओके है, स्टैंड तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं ना, कस्टमाइज, ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल होती है। ट्यूब के इसका बोलते हैं ना, ट्यूब का टायर, ट्यूब का भाई ये ट्यूब वाले टायर है, हाँ ट्यूबलेस नहीं है, क्योंकि कोई चीज चूर ना जाए ना, ये ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस नहीं है। इसका वेट वेट कितना होगा इसका, वेट भाई पता नहीं, वेट इसमें लिखा है, उठा के चेक करो थोड़ा सा ना आइडिया होगा, तराजू है मेरे हाथों में, अरे हाँ तराजू है, ये वो चेक करो, मतलब आइडिया हो जाएगा ना कि बंदा उठा के चल सकता है, हाँ आराम से, हाँ तो फिर ठीक है, क्योंकि वो फैट है ना उसके हिसाब से, ये हो गया आराम से 8-9 किलो, 8-9 किलो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, थोड़ी कम है, 3-3.5 किलो, हाँ 3-3.5 नहीं यार, 3-5 से ऊपर है, 5 ना क्योंकि उसका टायर भी भारी है ना, 5 से ऊपर, 6-7 किलो के आसपास की गाड़ी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आएगा गाड़ी का ब्लॉग, तो बने रहना चैनल पे, दिखाऊंगा कितना खर्चा आता है, हाँ कितना मोटा खर्चा है, कितना मोटा भाई का मोटा खर्चा हो गया। नहीं यार अब कुछ करना है तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और देख के जाते हो सब्सक्राइब करवा दो, ये रोज देख के जा रहे हैं भाई, ये रोज देख के जा रहा है यार एनालिसिस में, सोच लो वो 38 पूरे अंदर आ जाए तो, हाँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो भाई, पेट्रोल तो भरवाना है, लगा दो मार्केट में पेट्रोल तो भरवाना है, पेट्रोल भी तो भरवाना है यार, हाँ चल रहा है भरवाना, और वो इसकी मिसिंग कर रही है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूँ विकास और आप 2 hours later अंकल जी से पूछ लो, डाल ला अंकल पेट्रोल, पेट्रोल डाल दो 5 का, पेट्रोल डालो 5 का।